कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, जिन, यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। और बलराम तो तुरे का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था। आया था बलराम, वो ही ना सारे बालक आए थे, पर मुझे लगता तो है जे सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, चलो सब। मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर काना, पर ताईजी ने सबको वन जाने से मना किया है ना? तो अरे मैया ने सेमी तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला? कान्हा, सच्ची में बहुत शरारती होकर वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है, अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कछु हो जाए तो, कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो, इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो, रक्षा के लिए आप हो ना, मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखा है क्या? यशोदा, क्या होगो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे, मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैंने क्या आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी वन जाऊं तू अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी कर तो है हुँ? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना लल्ला रुक, लल्ला मैंने लल्ला लल्ला रुक रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार मैं सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला सुधा बालक है जे, खेलने दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों ये बाड़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा गाना। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाना है जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते है। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है गाना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। गाना तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा, भय लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हसलो हसलो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक, ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ
गए सारे के सारे। चिंता मत ही करो जसुदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सबके सब। वो देखो 10। अब बस मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से राक्षसों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो, कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए। उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ।
बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। समय हो गया, सुबह हुए। बलराम आयो ही ना अभी तक ढूंढने? पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया वे जी? बहुत उदंड होगा वे जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा! मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको। कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू? कान्हा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ, हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी, बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लगतो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहो है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया, मुझे ना पतो क्या किस स्त्री की बात कर रहे हैं? मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची, मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यहीं पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही रो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन
इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले, गोधूली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? बातें कर रहा था तू कान्हा, कौन थी वो? हमें तो लगता है अवश्य किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। यशोदा, मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। ठीक, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूँ कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है, जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं, आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर मैंने मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, थी। मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया माँ, सबके सामने चूतर ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र, छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा, उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा या दाऊ को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले, इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना लो दाऊ जल। क्या कर रहे है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। Thank you.
यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है, अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो चाची। छोटी माँ, ताऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी काना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कल कहा था ये जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं, ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया, कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गोपालक बन गया। नाना दो, गोपालक तो मुझे बनना है। पापा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे, तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ ये गोपालकों का डंडा, तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। कि मैं गोपालक बन सकता हूँ कि ना? तुम गोपालक बनोगे? तुम्हें तो बन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और बन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे, करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही, तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो, एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो, बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप।
दाऊ हनुमान जी का एक पाँव आगे होता है। ऐसे ना दाऊ थोड़ा और सा। अब हाथ तेरे तक करके क्यों पकड़ूं है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े हो कोई लेकर भाग जाएगो। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। काना, वो मेरा है। मुझे दो। आपका है तो वापस लेकर दिखाओ। छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। बड़े समय से इन दोनों का स्वर ना सुनाई दिया, है ना जीजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है, कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे। अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे, बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था। कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो काना, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तुम्हें मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ? निकटाओ ले लो अपना डंडा। रुक जाओ काना। क्या हुआ दाऊ? तुम मुझे इतना भगा क्यों रहे हो? अवश्य तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? इतना प्रयास करना है कर लो काना, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं जे दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगो कि आपसे आज्ञा लेके गए होंगे, दोनों साथ में ही तो थे। जे पालक भी ना। चलो जीजी, चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो काना, पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। क्या हुआ, अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी,
और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण बनकर आजीवन आपकी सेवा की थी, आपकी हर एक बात मानी थी। अब आप अगला अवतार मेरे बिना ले रहे हैं प्रभु। इस बार तुम मेरा साथ किस रूप में देना चाहते हो शेष? यदि संभावना हो तो पिछली बार मैं आपका छोटा भाई बना था प्रभु, आपके पग चिन्हों पर अपने पग रखता हुआ आपके साथ चला था। इस बार आपका बड़ा भाई बनकर एक नया अनुभव पाना चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। प्रभु मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मेरा अर्थ वो नहीं था प्रभु कि। पर मैं बिना विचार किए कुछ नहीं कहता शेष। लक्ष्मण के रूप में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, महल, राजपथ, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी तुमने छोड़ दिया था ताकि तुम वन वन घूमते हुए मेरा साथ दे पाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर वो श्रद्धा, वो स्नेह तुम्हें लौटा पाऊं, तुम्हारी सेवा कर पाऊं। कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपका तो अधिकार है मुझ पे। ऐसा मत कहिए, आप मेरे प्रभु हैं। बलराम, ये क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई को प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरे प्रभु है छोटी माँ। अरे फिर से फंस गया मैं। सत्य का, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं हूँ इनका शेषनाग। अच्छा तो तुम दोनों भगवान जी खेल रहे हो? हाँ। तो इसके लिए वन आने की क्या आवश्यकता थी? मना किया था ना यशोदा ने? बलराम, तू कान्हा के जैसे कब से होगा? ये दोनों एक से ही है यशोदा, बहुत एकता है दोनों में। ना चिच्ची, बलराम निर्दोष है, जो उसका छोटा भाई है ना इसी का दोष है, इसी को बार बार वन आना होता है। पर मैया, ये वन थोड़ी है, वास्तव वन तो आगे है ना। अच्छा तू घर चल, मैं बताती हूँ तुझे वन कहाँ है। उदंड कहीं का ले बलराम, चल। इन्हें ना गौशाला में बांध देना चाहिए जिज्जी, तभी रुकेंगे जे। पहुँच के डंडे मिलेगा क्या? मिलेगा प्रभु, और इस बार केवल आपको ही नहीं मुझे भी मिलेगा। नटखटपन और उदंडता में बहुत कम अंतर होता है कान्हा, और जब तक तुझे समझ ना जाता, जा जाके उस कोने में खड़ा रहे, यही तेरा दंड है आज। मुस्कुरा क्या रहो है? चुपचाप खड़ा रहे, हाथ भी ना हिलने चाहिए। तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़े हो? तुम भी गए थे ना बिना बताए घर से? जाओ, आज कान्हा के साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। जाओ जाओ, जाके खड़े रहो वहां। जब तक हम दोनों ना कहें यहीं खड़े रहना दोनों, समझ आई? मैया संदेह भी होने वाली है,
खेलने भी जाना है। पिछले अवतार में वनवास मिला था प्रभु, इस अवतार में दंड मिला है। आपका भाई बनने के लाभ कम है और हानि अधिक। ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना शेष, अब भूल जा कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। भक्त और प्रभु के इस संबंध की स्मृति अब तुम्हें तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता होगी। तब तक आप मेरे बड़ी भाई हो, इसलिए अब दाऊ की तरह व्यवहार करना होगा आपको। तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा, पर उसके लिए आपको भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करना होगा। अब से मेरी हर बात सुननी होगी आपको। क्या? जी हमारी बात ऐसे ना सुनेंगे चिची, कोई और उपाय निकालना पड़ेगा इन्हें बन जाने से रुकने का। डांट फटकार से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा यशोदा। ना इन्हें जिस बात के लिए मना करो ना चिची, ये वही बात सबसे अधिक करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें कितनी चिंता होती है, और ये दोनों है कि इन्हें कोई भय ही नहीं लगता। भय? छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करते है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या? यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठने दो ना दाऊ। माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ा दंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना, और मैं आपके बारे में ना बताऊंगा। नहीं कान्हा, मैंने कहा था ना, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, पर उचित कार्यों में, किसी अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है, आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे। और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी नहीं। उन्होंने तो बस वही किया है ना जो तुमने किया था, तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। शीघ्र आरंभ कर दियो आपने, बड़े भाई वाला ज्ञान देनो। अब ये बताओ, इस बंद कक्ष में करेंगे क्या? खिलौने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगा। संतरी की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ काना, नाशपति को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपति? ये कैसी ध्वनि है?
नहीं खोला क्या? नहीं, कार भी नहीं लगाई ना। पर सी विचित्र सी हनी आ रही है। हाँ दोनों तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कना? अंधेरे से डर लग रहा है? चिंता मत करो, भाव है ना तुम्हारे साथ। तो आपको बहना लग रहा है? आप भी तो छोटे बालक हो। जाओ वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है दाऊ, अपने हाथ भी चला रहा है वो। ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा? भय लग रहा है? नाना, हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि? जीजी, आपको कछु सुनाई दे रहा है क्या? जे ध्वनि? जे तो हाऊ का स्वर है। हाऊ? हाऊ? हाँ, हाऊ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बस तो है जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। पर ये हाऊ यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से? इसीलिए तुम सबको बन जाने से मना करते हैं हम। हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाऊ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं, पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया, मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाऊ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना, कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो, फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो, अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गोचर भूमि, और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये जे स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और काना और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को।
वन ना जाएंगे वो। अरे पर यशोदा बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कान्हा को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यह हाउ है क्या? हाउ? ये हाउ क्या होता है कान्हा? बहुत ही भयानक जी होता है वसंता, सदैव विचित्र सी ध्वनि करते रहता है, और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करते है। कान्हा सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाउ। होता होगो, पर हाउ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है। कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई। मेरे चने के पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? भागो यहाँ से, फिर से इधर दिखाई भी मती देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सूच जाते हुए काना। अरे हमसे तो करे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती है। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत ही भेजा करो, ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को, या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को, ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ, जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है, मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना, आनंद तो खूब आया होगा, पर फिर भी प्रभु आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वारा आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सताना है। मैंने तो ये भी सुना है वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना वसंता, उसको विश्वास है कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खा कर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। भूल के भी उस बूढ़ी माई के निकट मत ही जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत पुरुष से फूटी आंखना स्वातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने दो सुलक्षणा, नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं, कम से कम एक बार बावली समझ कर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु, कम से कम एक बार बावली समझ कर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। काना कहाँ जा रहे हो? किसी ने बुलाया था तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ। पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत होगा खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे है? आना
और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना, तो देख लो फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने, दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला आराम कर। अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आराम भी नहीं किया था ना? चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा। अरे वाह, तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लियो। चलो आ जाओ, अब छाछ लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना खा गाओ। बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, बोरा कान्हा, कान्हा रोक। हाँ वाला उपाय भी असफल रहो। जीजी यशोदा, मैया ये तो हाउ की सुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, वन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु। जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी मैया के काल्पनिक हाव से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी। क्या तो आगू मैं, पर वन में और भी तनाव जानो चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आप ही जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु, कृपा कर दो, कृपा कर दो। यशोदा, क्या हो गो? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गए है। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा, नारायण 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 नारायण, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दर्शन दे दो नारायण नारायण। कान्हा, 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 कान्हा,
इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो प्रभु? आ जाओ प्रभु, दर्शन दे दो प्रभु। दंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चने खा रहा हूँ मैया। तूने अनुमति लेने की भी आवश्यकता ना समझी? आप ही ने तो कही थी मैया, आके जितनी इच्छा हो चने खा लो, इसीलिए खा रहे हो। बावला हो गया है क्या? मैंने कब कही तुझसे? आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दौड़े चले आते चने खाने, एक मैं ही ना तो। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। श्री कृष्णा